इनाडू का जो अपने इंटरव्यू किया था दैट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन. कौन सा? इनाडू वाला जो अपने तेलंगाना किया था, इट वाज अ ब्रिलियंट डिसीजन. सच में खुद रामा हैरान थे कि आइडिया कैसे लाए वो लोग. मैंने कहा लाए तो 20 लाख कॉपी बिकती है अकेले आंध्रा में उसकी, 20 लाख. उसने पूरा छापा उसका और 4 बार चलाया और इलेक्शन की रात को चला दिया. इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया उनको परसों, उनको आता रहेगा नोटिस, चलाओ अपने. तो कह रहे सर सर ऑडियो भी अगर बात करी ना ऑडियो तो भाई अलग गई है ना मन. नहीं तो टाइम है, टाइम के लिए थोड़ा टाइम के लिए. हाँ करें मैं शुरू. अरे आवाज आई ठीक है, ठीक है. ये वाला हाँ ये नीचे आप लोग नहीं देखेंगे सर, हम तो एक दूसरे को देखेंगे बस, अपने आप करते रहेंगे. चले सिग्नल दो बस फटाफट इशारा करो हमें. चलिए भाई शरीर का लेना था पानी आपके लिए. पानी हाँ सर बस ठीक, जल्दी बाहर जा लो. हाँ ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना. अच्छा काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा. अच्छा तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ. वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा. ओके उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रखा जान बुझे. बाकी और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना उसको, वो बैक तो वही है ना सर देश भर में. बिल्कुल. और ये बोलना भूल गया मैं, वो उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं. ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेकर, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे. ओके वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया. उसी पर ज्यादा चला दीजिएगा. नहीं वो चलेगा. अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह.